तो खुश हैं पापा मेरे। अब पैकेज ही उसमें 30 लाख का मिल रहा है मुझे तीसरी साल से, तो वो सोच रहे हैं अब कि मतलब जितना उनने कमाया उतना मैं एक साल में दे रहा हूँ उन्हें, तो ऐसा आप तो खुश हैं सब। नमस्कार, आपकी जन अदालत में से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय दतिया जिले में हूँ, जहाँ पर एक बार फिर मैं दतिया की चाहत के पास आया है जिसका नाम ही है चाहत तिवारी, जिन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज हिंदुस्तान में नाम रोशन किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आज मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लिया है। और देखा जाए तो दतिया जिले के ये पहले छात्र होंगे चाहत तिवारी, जिन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जा करके आज समूचे देश में एक नया मुकाम हासिल करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले चाहत तिवारी के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर दतिया जिले की चाहत का बैकग्राउंड क्या है और किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, और इनसे इनसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस होना चाहेंगे। आप भी चाहत तिवारी को समझिए, चाहत तिवारी दर्शक आपके बारे में जान। नमस्कार पहले सभी को, मेरा नाम चाहत तिवारी, पापा का नाम मेरे अखिलेश तिवारी। मैं वैसे मूल निवासी तो दतिया ज़िले के हूँ, लेकिन मेरी जो व्यक्तिगत पढ़ाई हुई है वो ग्वालियर में हुई है, और IIM की प्रिपरेशन मैंने इंदौर से की है। 3 महीने की प्रिपरेशन है, और इससे पहले मैं IIM की तो 4-5 साल से सोचा था, तो तभी से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था, मतलब साथ में क्लास की स्टडी भी करता था और पढ़ता भी रहता था। अच्छा चाहत तिवारी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, अक्सर लोग PMT और इंजीनियर में जाना चाहते हैं, आपने IIM का चुनाव क्यों किया? IIM का चुनाव बस इसीलिए किया कि बस इच्छा ये थी मेरी कि जॉब लेनी नहीं है, देनी है जॉब, मेन यही था। अब वो डॉक्टर इंजीनियर सिर्फ एक मतलब एक लिमिटेड है उनका जो भी है, बिजनेस में अपन के पास हर चीज़ से फ्रीडम है, हर चीज़ से, और इससे रोज़गार भी होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब ये सोच बदल रही है भारत की भी कि अब इंजीनियर डॉक्टर कम इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चे लोग, अब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस यही सब चल रहा है, तो इसी के चक्कर में ये भी मेरे मन में आया था, इसलिए मैंने ये किया। चाहत तिवारी जी, देखा जाए तो कितने स्टूडेंट थे देश के अंदर, कितने, और आपने किस तरीके से अपनी रैंक हासिल की है? स्टूडेंट ऑल ओवर स्टूडेंट 2.5 लाख लोगों ने पेपर दिए थे इसके IIM बेंगलोर के, जिसमें से 1200 सीटें थी, उसमें 916 रैंक है ऑल इंडिया, और मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक आई है मेरी, दतिया ज़िले और ग्वालियर ज़िले में से भी अकेला ही निकला हूँ मैं, और ऑल इंडिया तो 916 रैंक आई है, वैसे 1200 सीटें थी इसमें टोटल जो कि सिलेक्ट होनी थी। एग्ज़ाम थोड़ा टफ था बहुत ही, 490 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें से मेरे 380 नंबर आए हैं। हाँ यस सर, मैं दर्शकों का एक सवाल करना चाहूँगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर लोगों के सवाल देखे, IIM होता क्या है, उससे किस तरीके से अपन बेहतर करियर बना सकते हैं? IIM सबसे पहले इसका फुल फॉर्म इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट होता है, टोटल 7 संस्थाएं हैं इसकी पूरे देश भारत में, मेन ब्रांच जो 7 हैं दिल्ली बम्बई आगरा बड़ी बड़ी सिटियों में, चेन्नई हैदराबाद बेंगलोर, तो मेरा क्या बेंगलोर में चयन हुआ है इसमें। तो इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बेसिकली बिजनेस के ऊपर है, CEO CA वगैरह जो भी निकलते हैं बिजनेस का, पूरा बिजनेस का इसमें मैनेजमेंट सिखाते हैं अपन को, इंटरनेशनल बिजनेस कैसे करते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वगैरह, मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग शेयर मार्केट वगैरह, MBA पूरा सब बिजनेस का ही है मेन फोकस इसका। हाँ तो इसमें स्कोप किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं अपना, क्या स्कोप है इसमें? स्कोप इसका यही है कि जॉब के चक्कर में इसको कोई नहीं करता है मैन, उनका सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे जिसको बिजनेस करना है वही लोग इसमें कॉलेज में आते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे CEO की पोस्ट मिलती है इसमें। हाँ जैसे गवर्नमेंट कंपनी है भेल सेल वगैरह, इनमें CEO की भी पोस्ट मिलती है, प्राइवेट कंपनी में भी अच्छा पैकेज मिलता है, 30-30 लाख 50-50 लाख का पैकेज मिलता है इसमें, तो स्कोप तो है लेकिन कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ है इसका। आपके फादर जो हैं गवर्नमेंट टीचर हैं, उनको क्या देखा जाए कितनी सैलरी मिलती होगी? पापा तो मेरे गवर्नमेंट टीचर है, उनको 45-50 मिल जाती है। आपके पापा चाहते थे कि आप भी टीचर बने, ऐसी सोच थी क्या उन्हें? पापा का ये तो नहीं था कि टीचर बने, बस ऐसा था कि मतलब सरकारी जॉब मिले। और आजकल देखा जाए तो सब लोगों का हर फैमिली में यही सवाल आता है कि मेरे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं है कि हम बहुत कुछ और भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो भारत देश में इंडियन पेरेंट्स की मानसिकता है कि सबसे पहले बच्चा जब भी 12th के पार निकला तो गवर्नमेंट जॉब, SI टीचर डॉक्टर कोई भी बने, गवर्नमेंट का उनका मेन फोकस रहता है गवर्नमेंट जॉब, यही मेरे पापा का था वो तो। अब पैकेज ही उसमें 30 लाख का मिल रहा है मुझे तीसरी साल से, तो
वो सोच रहे हैं अब कि मतलब जितना उनने कमाया उतना मैं एक साल में दे रहा हूँ उन्हें, तो ऐसा आप तो खुश हैं सब। बिल्कुल, कुछ ऐसा करो जिस पर देश को देश करे भरोसा। चाहत तिवारी की है और चाहत तिवारी की चाहत है कि वो 30 लाख का पैकेज हासिल करें, ये चाहत है तिवारी जी की। अच्छा तिवारी जी, आप इतना बड़ा लक्ष्य आप लेकर चले हैं, तो किस तरीके से आपकी सोच थी, क्या बचपन से ही आप जाना चाहती थी इसमें? बचपन से 7th या 8th क्लास से जी मन में आया कि जॉब नहीं बिजनेस करना है। उसके पहले तो इतने मैच्योर नहीं होते कि ये सब सोचें, वही बचपन की तरह डॉक्टर पायलट जज मज यही करते रहते थे। 7th और 8th क्लास से थोड़ी मैच्योरिटी आई, उसके बाद ये बिजनेस के बारे में सोचा कि नौकरी, एक नौकरी लेने के चक्कर में कितनों से लड़ेंगे अपन, कुछ ऐसा करते हैं कि जो बैठे हैं उनको भी रोज़गार मिले, अपन को भी मिले और देश की इकोनॉमी बूम हो, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इस चक्कर में मैंने IIM चुना, मैनेजमेंट चुना, बिजनेस की फील्ड में इसीलिए मैं चुना मैंने ये सब। आपके इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देखा जाए तो आपके परिवार में किसने सपोर्ट किया है, आपके पीछे कौन खड़ा रहा आपका इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? परिवार का सपोर्ट ये था कि पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि टीचर का बेटा टीचर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, मतलब सरकारी जॉब में थे। अब उनको सरकार के द्वारा जो फैसिलिटी मिल रही है उसमें वो फुल सर्टिफाइड हैं, सैलरी भी सही मिल रही है, पेंशन वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट थे, तो उनको उसी चीज़, सिर्फ वो एक लिमिटेड बॉन्डिंग में थे तो उसी चक्कर में वो मेरे से बोले कि नहीं गवर्नमेंट ही करो ये वो। हाँ, लेकिन परिवार का सपोर्ट मेरे मामा ने ज़रूर सपोर्ट किया है, मेरा बहुत सपोर्ट किया है। पापा मामा ने मेरे फीस से लेके ट्यूशन फूसन पापा को कन्वेंस किया, घर वालों को कन्वेंस किया मेरे सिलू मामा जी ने, तो उनका बहुत ज़रूर सपोर्ट रहा है। पापा का सिर्फ यही था कि IIM खुद अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है, तू कैसे करेगा 12th के बाद डायरेक्ट कैसे, तो मामा ने ज़रूर मेरे उनको विश्वास दिलाया, तो उस चक्कर में उनने कहा कि करो फिर ट्राई करो, हो जाए तो हो जाए, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने निकाल लिया, ये था। फ़ीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो किस तरीके से क्या है? फ़ीस स्ट्रक्चर इसका 2 साल का 23 लाख रुपए है फ़ीस, और हॉस्टल चार्ज वगैरह अलग, डिडक्शन वगैरह एडिशनल वो अलग है, टोटल फ़ीस इसकी 30 लाख तक पहुंच जाएगी। तैयारी को देखा जाए तो आपका इस करियर को हासिल करने के लिए आप किस संस्था से आप जुड़े और कहाँ से आपने एजुकेशन की है? एजुकेशन मेरी प्राइमरी एजुकेशन ग्वालियर से हुई है, उसके बाद टेकनपुर BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, जहाँ से ही थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला BSF स्कूल टेकनपुर से, उस जगह हमेशा मिस करता हूँ, उस जगह को हमेशा याद रहेगी। उसके बाद 11th 12th में फिर दूसरा स्कूल कॉलेज आया कोरोना के चक्कर में, और फिर 12th के बाद इंदौर इसकी प्रिपरेशन की है मैंने, 3 महीने की प्रिपरेशन है मेरी। इससे पहले मैं खुद सेल्फ घर पे यूट्यूब वगैरह और खुद सेल्फ करता था बुक्स वगैरह से। 3 महीने आपने यहाँ से तैयारी की, उस संस्था का नाम क्या है? उसका MC क्यूब। हाँ, छोटी क्लासेस है वो, इतनी बड़ी संस्था नहीं है, मतलब सर थे और 4-5 बच्चे आते थे, हम लोग सब अलग थे। मैं IIM का सिर्फ अकेला था, मैं कोई इसको मतलब इतना लेते नहीं थे, क्या इसका कंपटीशन बहुत टफ है, तो सोच के ही वो ट्राई नहीं करते हैं लोग वाक, ये इसका मेन कारण है, इसलिए तो मैं अकेला पढ़ता था उसमें MCQ में। तो अब आप इसमें जा रहे हैं तो किस तरीके से देश के लिए, किस तरीके से आप मोटिव देना चाहेंगे और क्या इसके द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देश के लिए बस यही है कि IIM के जो छात्र होते हैं हमेशा देश के ही बारे में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि अभी 4-5 कंपनी आप देख सकते हो, बायजूस, पेटीएम वगैरह, पेटीएम IIT था लेकिन बायजूस IIM से निकले हैं, तो कई यूनिकॉर्न कंपनियाँ $100 बिलियन की IIM से निकले हैं, IIM बेंगलोर, दिल्ली, ये ओला उबर वगैरह, स्नैपचैट, बहुत कंपनियां जो हैं इनसे निकली हैं। तो इनमें क्या है, स्टार्टअप खोलते हैं, कंपनी बनती है, बिजनेस बनता है, तो ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, रोज़गार जनरेट होता है, लोगों को मिलता है और इकोनॉमी बहुत बूम होती है। IIM का एक छात्र, एवरेज छात्र, मतलब बहुत सपोर्ट करता है देश के लिए, इकोनॉमी बूम में, GDP में, टैक्स वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट में, हर तरीके से देखा जाए तो वो फुल सपोर्टिव होता है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो आत्मनिर्भर भी इसी से बनाया जा सकता है। बिल्कुल, आत्मनिर्भर अगर बनना है तो बिल्कुल अपन को नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने की सोचना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत देश में तरक्की हो सकती है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए। देखा जाए तो श्रीलंका में बेरोजगारी का दौर से गुजर रहे हैं श्रीलंका के लोग, आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में हम रोजगार दे पाए, इसलिए हर बच्चे का मोटिव चाहत तिवारी की तरह होना चाहिए? बिल्कुल, अपने बिल्कुल
अगर यही सेम कर किसी के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने अपने फील्ड में वैसे सभी अच्छे हैं, सरकारी जॉब वाले भी अच्छे हैं, क्योंकि सरकारी जॉब वाले भी एक तरह से देश को योगदान ही दे रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बैठ के खा रहे हैं, उनका भी अब सरकारी टीचर नहीं हो तो फिर मैं ही कहाँ से पढ़ता, मैं खुद कहाँ से पढ़ता अगर सरकारी टीचर, मुझे सरकारी टीचरों से ही पढ़ा हूँ मैं। हाँ तो ऐसे सरकारी डॉक्टरों से इलाज मिला, तो एक देखा जाए तो हर चीज़ अपन को आर्मी वाले BSF वाले सब सरकारी जॉब वाले जितने भी हैं सब योगदान कर रहे हैं। लेकिन मेरा मेन मेरी जो टैगलाइन है वो ये है कि जॉब लेने की बजाय जॉब देने की सोचो, ये थोड़ा चेंज हो जाए तो अपन जरूर, अभी 136वें नंबर पे GDP में है तो अपन फर्स्ट या सेकंड नंबर पे अमेरिका चीन और की बराबरी कर सकते हैं GDP वगैरह में। तो नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनना, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहत तिवारी का, ये इंटरव्यू निश्चित उन युवाओं के लिए है जो चाहत रखते हैं कि उन्हें कुछ हटके करना है, ऐसा करना है जिस पर देश नाच करे और देश को हम आत्मनिर्भर बना सकें। ये मोटिव था इस इंटरव्यू को, और इस इंटरव्यू को देख करके आपको कैसा लगा नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चाहत तिवारी के लिए आप क्या चाहत रखते हैं हमें हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस इंटरव्यू को इतना शेयर कीजिए ताकि पूरे देश का युवा आत्मनिर्भर का सपना साकार कर सके। नमस्कार, लगातार पढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दरबार के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम।